There's a political storm brewing after Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav campaigned in Amethi today for Gayatri Prajapati, a Samajwadi Party leader and Uttar Pradesh minister who's been accused of gang rape and molesting a minor. An FIR was registered over the weekend against the controversial minister on the orders of the Supreme Court. Prajapati was earlier also accused of promoting illegal mining and was sacked as minister last year by Akhilesh Yadav over corruption charges, but was reinstated at the insistence of Mulayam Singh Yadav. ये राजनीति करी गई है आपके साथ? ये राजनीति की गई है, ये धोखा है, ये जो है अमेठी में एक गरीब के बात। मैंने तो कह रहा हूँ कि जब हमारी बात को सुन प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज होती है, अब कोर्ट जब दर्ज करती है तो पहले गिरफ्तारी हो जाती है। आज तक ऐसा केस हुआ? आप ये कह रहे हैं अमित शाह की, अमित शाह ये बताइए किस उस पे थे? इनके खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ था? ये जेल में नहीं गए थे? ये जेल में थे कि नहीं थे? आप लोग इसको नहीं दिखाओगे जेल में बंद थे? अब कहाँ से बहाल हुए? सुप्रीम कोर्ट से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुकदमे नहीं हुए थे? आरोप नहीं लगा था? जब मुख्यमंत्री थे तो इस्तीफा दे दिए थे? जब अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये कहा था कि आज शर्म से झुक रहा हूँ और सदन में कहा था, ये बात आपके क्लिप में है मैं कह रहा हूँ, तो जब शर्मसार हुआ था गुजरात तो बताइए उस समय कौन मुख्यमंत्री? तो क्यों इस्तीफा नहीं? सीएम साहब, अखिलेश जी का आश्वासन है आपके पास? हम ये उनका पूरा आश्वासन है? नहीं, मैं जनता के बीच में हूँ। मैं ये गलत, आज आपकी रैली को सपोर्ट करने आ रहे हैं, उनका पूरा हाथ है आपके साथ। हम कह रहे हैं, ये बताओ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्मीदवार हूँ तो वो हमारा प्रचार कर रहे हैं तो अन्याय के खिलाफ करे? न्याय के साथ खड़े हैं, विवेचना हो रही है।